मोदी जी ने जिस प्रकार से कहा है अपने सभी देशवासियों से, दिल्ली वासियों से, कि हम सब जुट कर, एकजुट होकर, मिलकर मोदी जी के साथ चलें और अपने देश को विकसित देश बनाने में अपना भी योगदान दें। उत्तम नगर विधानसभा के चारों वार्डों में इस समय इससे बुरी स्थिति कभी हो नहीं सकती। नालियां भरी पड़ी है, कोई सफाई कर्मचारी नदारद हैं। मैं कहता हूं एक भी काम पिछले लगभग एक साल हो चुका है, एक साल से एक महीना ऊपर हो गया, आज तक इनकी कोई उपलब्धि नहीं है। अभी हम मौजूद हैं उत्तम नगर के नवादा वार्ड में। हमारे साथ हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व निगम पार्षद कृष्ण गहलोत जी। नमस्कार जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार, नमस्कार, धन्यवाद, आपका भी स्वागत। एक तो आपको बधाई देनी है कि राम मंदिर का जो 500 साल बाद नरेंद्र मोदी जी ने रामलला को वहाँ पूजा अर्चना की और आज रामलला हमारे साथ हैं। उस मंदिर की भव्यता को देखते हुए पूरे संसार में उसकी चर्चा हो रही है, आप क्या कहना चाहोगे? देखो, ये जो आपने बताया वास्तव में बिल्कुल ऐतिहासिक काम है। पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में राम मंदिर का उत्सव जिस प्रकार से मनाया गया, ये अपने आप में देखने योग्य है। एक प्रकार से अब ये तय हो गया कि भारत में अब एक नहीं दो दिवालियाँ मना करेगी, एक 22 जनवरी को और एक दिवाली जब आती है उस समय पर। मोदी जी ने उन शहीदों को जिन्होंने शहादत दी थी राम मंदिर के लिए, जितना जो 500 वर्ष का संघर्ष था उनकी शहादत को नमन करते हुए, और जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रमुख एजेंडे में रखा था कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो राम मंदिर वहीं बनाएगी और वहीं पर बना। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि अब चुनाव सर पे हैं, कभी भी दो तीन महीने में कभी घोषणा हो सकती है, तो लोकसभा चुनाव में क्या इस राम मंदिर, जो विपक्ष कहता है कि राम ये धर्म की राजनीति पे दोबारा आएंगे, क्या विपक्ष 2024 में मोदी जी के रथ को रोक पाएगा? देखो, विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। भगवान राम जी कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, भगवान राम आस्था का सवाल है। और एक देश में 140 करोड़ की जनसंख्या में केवल हिंदू नहीं, और भी धर्मों के लोग राम को मानते हैं। राम वास्तव में इस सृष्टि को चलाने वाले रचयिता हैं। तो मैं ये नहीं मानता, मैं इस बात का, उनकी बात का खंडन करता हूँ कि राम राजनीतिक एजेंडा नहीं है, राजनीतिक मुद्दा नहीं है, राम आस्था का सवाल था। और राम, जैसे आपने सुना भी होगा, 22 जनवरी को जैसे मोदी जी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा राम जी की थी, उस समय कहा था कि लोग राम को मुद्दा मानते थे, राम मंदिर को मुद्दा मानते थे। आज वो राम मंदिर का मुद्दा हमारा समाप्त होता है क्योंकि हमने राम मंदिर बना दिया। अब मुद्दा है एक और एजेंडा है और संकल्प है और सोच भी है कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना, दुनिया के नंबर एक पायदान पर लेकर के जाना। तो मैं भी अपील करता हूँ, मोदी जी ने जिस प्रकार से कहा है अपने सभी देशवासियों से, दिल्ली वासियों से, कि हम सब जुट कर, एकजुट होकर, मिलकर मोदी जी के साथ चलें और अपने देश को विकसित देश बनाने में अपना भी योगदान दें। और 2024 में दिल्ली की 7 सीटें हैं, आप क्या मानते हो, क्या आम आदमी पार्टी, क्योंकि कांग्रेस तो ना के बराबर है, वो तो है ही नहीं, तो आम आदमी पार्टी क्या उसमें कुछ टक्कर देगी क्या भाजपा को? आप देख रहे हो महेंद्र जी, जैसे सारा विपक्ष कभी एकजुट होता है कभी किसी मुद्दे पर, आज तक पिछले 6 महीने से वो एक साथ बैठ ही नहीं पाए, तो एक साथ चलेंगे क्या? और देश की जनता भी समझ चुकी है, चुनाव के समय पर गठजोड़, राजनीतिक गठजोड़ कभी भी देश के हित में नहीं हो सकता। मोदी जी का किसी से कोई मुकाबला नहीं है, मोदी जी 400 से ऊपर जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐतिहासिक रिकॉर्ड के साथ बनने जा रही है। और दिल्ली में क्या, पूरे उत्तर भारत में मैं ये कह सकता हूँ, जो भी पार्टियाँ हैं स्वीप क्लीन से हारेंगे, मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, हमारी पार्टी क्लीन स्वीप करेगी जीत के साथ। दूसरा, आप आते हैं अपने क्षेत्र में, आ जाते हैं नवादा वार्ड में, आप उत्तम नगर विधानसभा में के जितने भी वार्ड हैं आम आदमी पार्टी के पास गए, वो जैसा भी है, लेकिन अब स्थिति क्या है, क्षेत्र की क्या हालत है, क्या आप समझते हो, कितना कोई विकास हुआ है या बिल्कुल उससे भी ज़्यादा कुछ खराबी है, क्या है क्या नहीं? दिल्ली में, दिल्ली को पेरिस बनाने की बात करने वाले लोग झूठ बोल करके आए, दिल्ली में पहाड़, कूड़े के पहाड़ को समाप्त करेंगे, इस तरह के झूठे वायदे करके आए। आज आप किसी गली में चले जाओ, कोई कूड़ा नहीं उठता, कोई कूड़े की गाड़ी नहीं आती,
कोई सीवर की आप एक एक गली में देख लो, लोग कह कह कर थक गए, कोई सुनने वाला ही नहीं है। ना विधायक फ़ोन उठाता किसी के, ना पार्षद फ़ोन उठाते, सब के सब लापता अपनी मस्ती में मस्त हैं। उत्तम नगर विधानसभा के चारों वार्डों में इस समय इससे बुरी स्थिति कभी हो नहीं सकती। कोई गरीब आदमी घर बनाता है, उसके यहाँ बिल्डोजर चल जाता है, नालियाँ भरी पड़ी है, कोई सफाई कर्मचारी नदारद हैं। मैं कहता हूँ एक भी काम पिछले लगभग एक साल हो चुका है, एक साल से एक महीना ऊपर हो गया, आज तक इनकी कोई उपलब्धि नहीं है। तो लोगों ने देख लिया, लोगों से गलती हुई है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से निगम में काम करती थी, आज अंतर लोगों के सामने है। और मैं विश्वास और दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम लोकसभा की तो कोई लोकसभा में तो कोई है ही नहीं, सब एक तरफा है मोदी जी के नेतृत्व में। 2025 में आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी। धन्यवाद धन्यवाद। अभी जैसा आपने देखा, कृष्ण गहलोत जी वरिष्ठ भाजपा नेता, उन्होंने सारी बात रखी। उन्होंने कहा भाई 2024 में मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का एक छत्र बहुमत होगा, 400 से प्लस सीटें आएंगी। दूसरा क्षेत्र की बात है तो कह रहे हैं वो उसकी हालत बदतर हो गई है, जो पिछले 15 सालों में ऐसा नहीं हुआ, उस क्षेत्र का ये हाल है। अब देखते हैं क्षेत्र के लोग क्या समझते हैं इस बात को और 2024 में क्या फैसला लेते हैं।